वहीं छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं का असर पहले से कम हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड बढ़ सकती है। वहीं 8, 9 और 10 दिसंबर को बादल छाए रहने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, आगे चलकर बदलेगा। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि भी होगी, जिससे ठंड भी बढ़ेगी। रायपुर में 17.3 डिग्री है, तो बिलासपुर में आपको बता दें 15.6 डिग्री है। कोरिया में टेम्परेचर आपको बता दें 10.6 डिग्री है। तो राजनांदगांव में 15 डिग्री है, दुर्ग में भी 15 डिग्री है, सरगुजा में 11 डिग्री है, कोरबा में 15.4 डिग्री है। तो आगे आने वाले दिनों में ठंड बिल्कुल बढ़ने वाली है। 8, 9 और 10 दिसंबर को बादल छाए रहने की संभावना जताई है। देखिए, आपको बता दें कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे आगे चलकर ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल उत्तर में पश्चिमी विक्षोभ है, जो 1 दिसंबर को जम्मू कश्मीर को प्रभावित किया था, जिसके कारण से मॉइस्चर बढ़ा था। दूसरी चीज़ है कि बंगाल की खाड़ी में अभी एक निम्न दाब का क्षेत्र है, जो आगे जा करके डिप्रेशन के रूप में चेंज होने की संभावना है, जिसके कारण से अपर एयर में कुछ हद तक नमी की मात्रा आ रही है, जिसके कारण से मिनिमम टेम्परेचर में यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। आज रायपुर में 17 डिग्री सेल्सियस है मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है, जबकि अभी तक के लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर है वो 12 तक पहुंच गया था।